एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेषा क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं बहुत दिनों के बाद में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ रसोई और घर के कुछ ऐसे जरूरी सामान जिसके बिना मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं था। और मैं इसको काफी टाइम से सामानों को यूज कर रही थी, लेकिन रिसेंटली सब दोबारा से खरीदने पड़े क्योंकि बिल्कुल टूटी फूटी हालत में उनको इस्तेमाल कर रही थी। तो आज मैंने शॉपिंग की है अमेजोन से कुछ अपने जरूरी सामान की, जो इतना ढेर सारा आप देख रहे हैं। क्या क्या सामान की शॉपिंग की है इसमें, कुछ तो किचन के लिए है ऑर्गेनाइजर्स, कुछ है घर का सामान और कुछ है डेली रूटीन की जो जरूरत की चीजें होती हैं बहुत जरूरी, तो वो है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड सोचते होंगे कि मैं किस तरीके से शॉपिंग कर रही हूँ जो इतनी सारी शॉपिंग आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये मैं कई तरीके से पैसे बचाती हूँ घर के खर्चे में से। किस तरीके से, जैसे कि पहला नंबर तो ये है कि मैंने मेड नहीं लगाई हुई है। तो अगर मैं अपने आसपास की बात करूं तो यहाँ पर मोस्टली एक या दो घर को छोड़ करके सबने ही मेड लगाई हुई है, लेकिन मैंने नहीं लगाई। यानी कि मेरी बिल्डिंग में भी ऊपर भी मेड लगी है और नीचे भी लगी है, लेकिन मैंने नहीं लगाई है। तो अगर मेड की बात करूं तो मेड अगर आप मॉपिंग वगैरह के लिए रखते हो तो उस के पैसे भी मेरे बचते हैं। और अगर जैसे यहाँ पर जैसे जनरली ट्रेंड है सभी लोग बर्तन वगैरह क्लीन करवाते हैं, तो मैं वो भी मैं कभी नहीं करवाती। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं खुद ही करती हूँ। तो मेरा ये थोड़ा सा एक ज्यादा पैसे जो होते हैं वो सेव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2500 से ज्यादा ही लेते हैं बर्तन और झाड़ू पोछे की, तो वो मेरी सेविंग होती है। दूसरी चीज ये कि घर का सामान जो मैं खरीदती हूँ, जैसे राशन वगैरह का है या घर में छोटी मोटी चीजों के लिए है, तो उसमें से थोड़ी सी बचत हो जाती है। तीसरी चीज ये होती है कि जैसे राशन के सामान में से क्या होता है ना कि हर बार तो वही सामान नहीं आता, कुछ रह जाता है, तो उसमें से थोड़ी सी बचत हो जाती है। तीसरा जो मेरी सेविंग है वो ये कि मेरे हस्बैंड भी मुझे पॉकेट मनी देते हैं, तो उस पॉकेट मनी को मैं जैसे सेव करके रखती रहती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा पैसा मैंने खर्च कर दिया, थोड़ा रख लिया, क्योंकि कई चीजें खर्चे ऐसे हो जाते हैं ना, अर्जेंट में निकल आते हैं। तो वही इसी तरीके से मैं अपने पैसे बचाती हूँ। एक चीज और है जो बहुत अच्छा तरीका है, जैसे आपको पता ही होगा इतने टाइम से कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ मैक्सिमम टाइम पर। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त मैं देखती हूँ कि कहाँ पर डील चल रही है, कहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं, कहाँ पर कैशबैक मिल रहा है। तो अगर इस तरीके से करते हैं ना, तो बहुत सारी मतलब हमें कैशबैक मिल जाता है, पैसे वापस मिल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन पैसों को भी आप यूज कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग में भी यूज कर सकते हैं, आप कैशबैक भी ले सकते हैं। तो मैं इस तरीके से शॉपिंग करती हूँ। तो चलिए, अभी मैंने अमेजोन से शॉपिंग की है वो इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। सारी घर की जरूरत की चीजें हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा, एक तो खूबसूरत है, सजाने की भी है, जरूरत की भी है। बहुत बातें हो गई, शुरू करते हैं। तो पहला जो ये है, ये मैंने खरीदा है अपनी किचन के लिए। मैं काफी टाइम से सोच रही थी इसको लेने के लिए। और ये है एक शेल्फ, ये मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी और एक मैंने दिवाली के पास भी ली थी और एक ये वाली शेल्फ मैंने अभी ली है। ये मेटल की शेल्फ है और इसमें यहाँ पर वायर्स लगे हुए हैं। और पहले जो मैंने ली थी वो पूरी फ्लैट थी, उसके ऊपर वायर नहीं थे, इसके ऊपर वायर है। और इसके साथ में एक आता है मिरर, मैं दिखाती हूँ आपको, ये है, ये इसके साथ में आता है मिरर। और इसके अंदर मिरर लगा सकते हैं और इसको हम अपने किचन, ये वाला मिरर देख रहे हैं इस तरीके से है, और इसको हम यहाँ नीचे लगा देंगे और इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई मेरी शेल्फ रेडी और इसको मैंने लिया है किचन के लिए। और इसका प्राइस है 699। तो क्या होता है ना कि अगर मैं आपको बता दूं कैशबैक मैं किस तरीके से लेती हूँ, अब जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट होती है, मैं तो पैसा वापस से लेती हूँ। बहुत टाइम से मैं पैसा वापस के थ्रू शॉपिंग कर रही हूँ। और इससे क्या होता है, एक ही बार आपको पैसा वापस की ऐप जो है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपको भी चाहिए तो आप भी उस पे जो लिंक दूंगी उससे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें क्या होता है, बस एक बार आपको साइन इन करना है,
जैसे ही आप साइन इन करते हो वहां पे ना काफी सारे जो वेबसाइट्स है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अजियो है, इस पर सब पर आपको दिखेंगे। तो आपको जिस वेबसाइट से भी शॉपिंग करनी है उसको क्लिक कर दें तो डायरेक्ट आप उसी के पेज पर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करना है, हर वेबसाइट के अलग अलग जो आपके हैं वो ऑफ मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अमेजोन पे जैसे मैंने शॉपिंग की है तो 1% ऑफ है, यानी कि मैंने अगर 1,000 रुपए की शॉपिंग की है तो मुझे 80 रुपए का कैशबैक मिलेगा उस पे। तो इस तरीके से हम सामान खरीदते रहते हैं तो वो कैशबैक जुड़ता रहता है। अब क्या होता है कि उस कैशबैक को जब 60 दिन हो जाते हैं तो उसको हम रिडीम कर सकते हैं, और रिडीम करने के भी कई सारे तरीके, आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं, पेटीएम पे भी ले सकते हैं, अमेजोन के बाउचर में भी ले सकते हैं कि अमेजोन से ही शॉपिंग करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पेटीएम वगैरह पे ले लेती हूँ या फिर मैं अमेजोन के कैश वाउचर जो होता है उसी में पड़े रहने देती हूँ। तो क्या होता है, अमेजोन से जब भी शॉपिंग करनी होती है मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो एक तो मैंने ये ली है, दूसरा जो मैंने बहुत टाइम से सोच रही थी लेने की और लिए भी है मैंने काफी सारी, और ये लिए हैं मैंने अपनी किचन के लिए ही कंटेनर, ग्लास कंटेनर मैंने दिवाली पे भी लिए थे। अभी क्या कर रही हूँ ना मैं, कि हर महीने दो दो कंटेनर करी करके खरीद रही हूँ, और मुझे दो दर्जन करने हैं इसलिए दो दो करके खरीद रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ब्रेकेज आया है, ये टूटा हुआ है, अब इसको मुझे रिटर्न में डालना पड़ेगा। तो तीसरे लिए हैं मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऑर्किड के, और ये मैं दिवाली पर सोच रही थी, लेकिन दिवाली पर काफी कॉस्टली पड़ रहे थे तो इस टाइम पर, उस टाइम पर बहुत सारी शॉपिंग भी की थी तो मैंने उस टाइम पर नहीं लिए थे, और ये 225 रुपीज के थे मेरे ख्याल से। इस तरीके के ये पूरा बंच 225 का है, और इसके 1, 2, 3, 4 इसके अंदर बंच निकले हैं इस तरह के, स्पाइक्स बोल लीजिए इसको, या पूरा ये बंच है इस तरीके का। तो ये लिया है मैंने पर्पल और येलो। तो नेक्स्ट मैंने लिया है, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, एक मॉप लिया है, ये है वो मॉप, और इस बार मैंने लिया है मिल्टन का मॉप, क्योंकि मेरे पास बहुत पहले भी इसमें का मॉप मॉप था, तो वो मॉप मैं बहुत टाइम से यूज कर रही थी तो उसकी बकेट जो थी वो टूट गई थी। अब बकेट टूटने की वजह से मैं क्या करती थी, उसको पानी के अंदर मतलब बकेट में धोना, दूसरी बकेट में घर की जो बकेट होती है उसके अंदर धोना, और फिर वॉशिंग मशीन में उसको साफ करती थी, मतलब स्पिन करती थी। उससे क्या होता था ना कि मॉप ही है उसमें हम कपड़े भी धोते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी कब तक करूंगी, प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं हो रही थी, मैं बहुत टाइम से इस तरीके से जुगाड़ करके काम चला रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मॉप तो लेना ही पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने ये मॉप लिया है मिल्टन का। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर कभी भी आप मॉप लें तो उसमें एक तो जो प्लास्टिक जाली वाला होता है ना, जिसमें प्लास्टिक की बास्केट लगी होती है, वो वाला ना लें, क्योंकि प्लास्टिक की बास्केट बहुत जल्दी टूट जाती है। मैंने इस बार जो लिया है वो लिया है स्टील की बकेट वाला, और मैं कौन सी बकेट की बात कर रही हूँ वो अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसको रख लेती हूँ इधर, और ये है वो मॉप, ये मिल्टन का मॉप है, इसके साथ में मिलती है, ये प्लास्टिक की है, इसके अंदर से सोप डिस्पेंसर टाइप का है ये, इसके अंदर आप कोई भी फ्लोर क्लीनर है उसको डाल सकते हैं, और इसके अंदर डाल करके यहाँ पे फिक्स करना है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये वाला मॉप जो होता है ना बहुत अच्छा रहता है, हालांकि मैंने ना एक स्प्रे मॉप भी लिया था लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा, मैंने यूज तो जरूर किया उसको लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं लगता, तो फाइनली मुझे यही वाला लेना पड़ा। तो इसमें एक तो ये देखिए इस तरीके से हैंडल है, आप इसको खींच करके लेके जा सकते हैं, यहाँ पर दिए हैं व्हील्स, ये एक और हैंडल है, और हैंडल ये इसकी प्लास्टिक जो है ना काफी स्टर्डी है, काफी मजबूत वाली है, और ये है इसकी स्टील वाली बकेट, दिख रहे हैं आपको, ये स्टील की बकेट है। और इसकी एक चीज और दिखाती हूँ मैं आपको, ये दिया है इसका वारंटी कार्ड, तो अगर आपका 1 साल मतलब इसके अंदर लिखा है ये पूरा सब कुछ किस तरीके से यूज करना है, और अगर आपका खराब हो जाता है तो आप वहां पर अमेजोन पर कंप्लेन डाल सकते हैं और वो आपका रिप्लेस भी हो जाता है, चेंज भी हो जाता है। ये है इसका जो मॉप का है, इसके साथ में दो मॉप मिलते हैं और एक
इसका ये रॉड है, ये स्टील की रॉड है, तो इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, काफी टाइम से क्या, काफी सालों से यूज कर रही हूँ। और जो मेरे फ्रेंड मेरे ब्लॉग फॉलो करते हैं उनको पता रहेगा मैंने कभी मेड नहीं लगाई है और यही मेरी मेड है। तो मैं इसी से, मतलब मेरे घर में मॉप ना हो तो फिर मेरा काम रुक जाता है। ये इसकी रॉड है एडजस्टेबल करने वाली और यहाँ पर लॉक है, तो इसको बाद में एडजस्ट करके दिखाऊंगी। ये आई थिंक 1299 का था, जो भी था, या तो मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो बहुत ही जरूरी चीज है, आप भी इसको जरूर लीजिएगा क्योंकि बड़े काम की चीज है। और ये है वो, ये क्या है, IBY ग्रिप टेप। और ये मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके का आता है, इसका प्राइस मुझे याद नहीं, शायद 200 रुपीज का था, ये 225 या 300 कुछ ऐसी इसका प्राइस है। और ये सिलिकॉन टेप है, आपको करना क्या है, इस सिलिकॉन टेप को मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको आप जहां पर भी लगाएंगे ना, और एक तो ये वॉल को खराब नहीं करता, कोई भी प्लेन सरफेस हो आप उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे किचन में, ये इस तरीके का आता है ये वाला टेप है, एक साइड आपका दीवार पे चिपक जाता है और इसके ऊपर से एक प्लास्टिक का वो और होती है रैपर सा, उसको हटा करके और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, ये वाला टेप। और एक तो ये वॉल पे भी लग जाता है, किचन में भी लग जाएगा, बाथरूम में भी लग जाएगा, जहां पर भी, फ्लोर पर भी लग जाता है, आपको कुछ भी स्टिक करना है तो इसके ऊपर इजीली स्टिक कर सकते हैं, काफी स्टर्डी रहता है। दूसरी चीज ये कि ये आपकी वॉल वगैरह को डैमेज नहीं करता, जैसे हम नेल वगैरह लगाते हैं तो लाइट वेट कोई भी चीज आपको स्टिक करनी है तो इससे कर सकते हैं आप। तो ये वाला लिया है मैंने, ये 225 का आई थिंक था, तो लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्राइस, तो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैंने लिया था वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था किचन के लिए, काफी टाइम से सोच रही थी, मेरा कैसरोल जो था चपाती वाला वो खराब हो गया था, तो ये मैंने एक कैसरोल लिया है और कुछ इस तरीके का है, ये भी नयासा का है, इसके अंदर स्टील का है ये अंदर से और बाहर से है ये फूड ग्रेड प्लास्टिक, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, गोल्डन फिनिश दे रखी है इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा इसका कलर है, पीच कलर टाइप का है ये, बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो मुझे काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि लूंगी, और दिवाली पर भी सोच रही थी लेकिन दिवाली पर नहीं ले पाई थी, तो अभी फाइनली मैंने ये ले लिया। अब जो मेरी शॉपिंग थी वो भी मैं काफी टाइम से सोच रही थी लेने के लिए, लेकिन मैंने फाइनली ले लिया, इस टाइप के बॉक्स में आया था, एक मैंने लिया है ट्राइपॉड लैंप, लेकिन ये है वो लैंप, और इसमें काफी मजबूत यहाँ पर लकड़ी का यूज किया गया है, और यहाँ पर ये जो दिया है ये प्लास्टिक है, ये कांच नहीं है, और बल्ब भी इसके साथ में ही आया था, ये मेटल का है, काफी स्टर्डी है, बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और इससे इस तरीके से ऊपर नीचे कहीं पर भी कर सकते हो, ये इसका टाइट या लूज कर सकते हैं। यहाँ पर दी है एक चेन जिसकी वजह से आपका ये गिरेगा नहीं, ये ट्राइपॉड लैंप जो है, और ये आपको मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश सा है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, किसी भी वॉल को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लैंप तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट जो मुझे लगा वो ये, इसकी हाइट बहुत कम है, ये लगभग 2.5 से 3 फीट का होगा, मुझे लगा था कि ये 4 से 4.5 फीट का होगा, तो मैंने लिया था, थोड़ी सी मेरी भी गलती थी कि मैंने उसमें साइज चेक नहीं किया था, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगी, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन मैंने इसको इसी कॉर्नर के लिए लिया था और सोचा था थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये मतलब इसकी हाइट आप देख सकते हैं मेरे सोफे से इतनी है, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगी। बाकी लैंप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो अगर आपका घर थोड़ा सा बड़ा है या फिर आप इस साइज का कोई लैंप देख रहे हैं इस प्राइस में अंडर 2000, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल इस रेट पर, बड़ा ही स्टाइलिश सा लैंप है। बट हाँ, अगर आप थोड़ा हाइट में देख रहे हैं तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें ही एक और भी है थोड़ा हाइट वाला, वो शायद मैं मिस कर गई, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगी, बाकी ये है बहुत ज्यादा खूबसूरत देखने में। तो बस आज का शॉपिंग हॉल वीडियो इतना ही था, आप भी पैसा वापस के थ्रू अगर कैशबैक कमाना चाहते हैं तो रियल कैशबैक आपको मिलेगा,
आप चाहे तो पेटीएम पे ले सकते हैं, चाहे तो बैंक अकाउंट पे ले सकते हैं, और चाहे तो अमेजोन पर ले सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से शॉपिंग करती हूँ, आपको बचत का भी तरीका बता दिया और किस तरीके से मैं शॉपिंग करती हूँ वो भी बता दिया। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी टाइप की वीडियो आगे भी देखने के लिए। जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।